अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल नरगिस फैशन वर्ल्ड में आप सब सबका स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए ब्लाउज़ के डिज़ाइन लाई हूँ वो है ऑर्गेन्जा ब्लाउज़ के डिज़ाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑर्गेन्जा की साड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फैशनेबल लगती है। बाकी ट्रेडिशनल साड़ियों से ज़रा हटके लगती है, ये आप पार्टी में भी शेयर कर सकते हैं और चाहे तो शादी में भी शेयर कर सकते हैं। और ऑर्गेन्जा ब्लाउज के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं। तो अगर आप उसके फ्रंट बैक नेक के डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल ब्लाउज़ के आगे और पीछे के नेक के डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको स्लीव्स के भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाह रही हैं कोई ऑर्गेन्जा ब्लाउज़ के डिज़ाइन को सिलवाना जिसमें कि आप नेक के डिज़ाइन को लेकर कन्फ्यूज हैं कि कौन से सिलवाना चाहिए, कौन से फैशन में चल रहे हैं, तो ये जो मैंने रिसर्च करके लेके आई है, मैंने काफ़ी सारा ब्लाउज़ के डिज़ाइन लाई हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। कोई ना कोई डिज़ाइन आपको डेफिनेटली पसंद आ जाएगी इसमें से आपकी ऑर्गेन्जा ब्लाउज़ के लिए। अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा ब्लाउज डिज़ाइन को ऑर्गेन्जा साड़ीज को आप फेयरवेल में भी पहन सकते हैं, किसी भी कॉलेज फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और सिंपल रहती हैं ये साड़ियाँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लुक देती हैं। टीनेज गर्ल्स हैं, अगर आपको ज़्यादा एजेड वाली साड़ियाँ जो आंटीज पहनती है वैसा नहीं पहनना है तो ऑर्गेन्जा साड़ी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके लिए ब्लाउज के डिज़ाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद ना भी आ रहा हो तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारे और भी डिज़ाइन बना के रखे हैं, आप इसमें से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा गाइस तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे कैसे वीडियो देखना पसंद है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।